आपने अब तक कई बड़े बड़े स्कैम्स के बारे में सुना होगा, जैसे हर्षद मेहता, विजय माल्या, नीरव मोदी, जिसको बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जब भी कोई आदमी स्कैम करके भाग जाता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी पर ब्लेम लगाती है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जिसमें इन पॉलिटिशियन की सिर्फ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं बल्कि इन स्कैमर्स को इन पॉलिटिशियन के द्वारा ही किया गया है, जिससे देश को लाखों करोड़ों का लॉस हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, कॉमनवेल्थ स्कैम। अगर आपको पॉलिटिक्स में जरा सा भी इंटरेस्ट होगा तो आपको इस कॉमनवेल्थ स्कैम के बारे में जरूर पता होगा। इस स्कैम के वजह से भारत को लगभग 70,000 करोड़ का लॉस हुआ। इस स्कैम के वजह से भारत को पैसे का तो लॉस हुआ ही था, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भारत का नाम भी बहुत खराब हुआ था। विदेशी मीडिया बस हर तरफ इसी स्कैम की न्यूज देखा रही थी और इसी वजह से 2010 के बाद आज तक कॉमनवेल्थ गेम दोबारा इंडिया में नहीं हुआ। इस स्कैम के अंदर इतने स्कैम हुए कि इस पूरी वीडियो में तो बताया भी नहीं जा सकता। इसके पीछे जिसका नाम सबसे आगे आया वो थे सुरेश कलमाड़ी। सुरेश कलमाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के प्रेसिडेंट थे। कॉमनवेल्थ खत्म होने के लगभग 6 महीने के बाद सुरेश कलमाड़ी को CBI ने पकड़ा। कॉमनवेल्थ के लिए जितना बजट तय किया गया था अचानक उससे इसको 17 गुना बढ़ा दिया गया। मार्केट में मिलने वाली सस्ती चीजों को भी कलमाड़ी ने 50 से 100 गुना ज्यादा प्राइस में गवर्नमेंट को दिखाया था। जैसे 80 रुपया का मिलने वाला नॉर्मल सा टॉयलेट पेपर कलमाड़ी ने 6,400 का बताया था। यही नहीं, 2,000 में मिलने वाले ग्लास को 17,600 का बताया था और 300 रुपए के बाथरूम डिस्पेंसर को 10,000 रुपए का बताया गया। कुल मिला के स्टेडियम के बाथरूम से लेके स्टेडियम बनाने तक हर चीज के दाम को उसके रियल प्राइस से ज्यादा बताया गया। यानी जहां से भी पैसा बनाया जा सकता था कलमाड़ी एंड कंपनी ने वहां कोई कसर नहीं छोड़ी। नंबर टू, चारा स्कैम। हमारे देश के ईमानदार पॉलिटिशियन ने धोखा देने में हमारी देश की जनता को तो छोड़ो जानवरों तक को नहीं छोड़ा है। इस स्कैम को हुए लगभग 25 साल हो गए हैं और कुछ साल पहले ही इस स्कैम के कल्प्रिट्स को सजा सुनाई गई है। यह स्कैम इतना बड़ा था कि CBI को इसके डॉक्यूमेंट की 11 करोड़ कॉपीज को प्रिंट करवाना पड़ा। 70 जजेस को अलग अलग अपने लेवल पर फैसला सुनाना पड़ा। यही नहीं, सिर्फ इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए 400 से भी ज्यादा CBI की टीम इसके इंक्वायरी में लगी थी। इसमें सबसे आगे जिसका नाम आया वो थे RJD के नेता लालू प्रसाद यादव। इस स्कैम के चलते लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से रिजाइन तक देना पड़ा था और अब जाके लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई। यह स्कैम जानवरों को खिलाए जाने वाले चारे के नाम पर हुआ था। यानी सेंटर गवर्नमेंट ऐसे बिहार सरकार ने जानवरों के चारे के नाम पर 9,000 करोड़ रुपए लिए तो लेकिन उससे कभी चारा खरीदा ही नहीं गया और बिहार के इस घोटाले में लालू यादव सीधा सीधा इन्वॉल्व पाए गए। नंबर थ्री, 2G स्कैम। आपने 2G स्कैम के बारे में ना सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2G स्कैम को भारत के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक माना जाता है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज तक इस स्कैम के कल्प्रिट्स का पता ही नहीं चला है, तो सजा की बात तो छोड़ ही दो। इस स्कैम का खुलासा तब हुआ जब 2010 में उस समय के CAG विनोद राय ने अपने रिपोर्ट में साल 2008 में 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट पर सवाल उठाए। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में कंपनीज को ऑक्शन की जगह पहले आओ पहले पाओ वाला ऑप्शन रखा था और इसी बेसिस पर इन कंपनियों को लाइसेंस बांटे गए थे, जिसके वजह से रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1,70,000 करोड़ का लॉस हुआ था। उस समय की गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाए गए थे कि जब अब तक लाइसेंस ऑक्शन के थ्रू बांटे जाते थे तो अब यह नई पॉलिसी की क्या जरूरत थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा लॉस हुआ। इसके बाद यह केस CBI को दिया गया। यह केस इतना बड़ा था कि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर A. Rajan को इस्तीफा देना पड़ा। यही नहीं, तब के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर P. Chidambaram पर भी बहुत से सवाल उठे थे, लेकिन फिर भी 21 सितंबर 2017 को कोर्ट के पास पुख्ता सबूत न होने के वजह से सभी दोषियों को रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना